हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग फुल लेक्चर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसमें से एक है पॉइंटर। पॉइंटर में जनरली जो प्रॉब्लम रहती है वही प्रॉब्लम फिर से है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये एड्रेस क्या है, वैल्यू क्या है, कब कौन सा यूज हो रहा है, किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है। यूँ तो मैंने बहुत बेसिक से समझाया था एक वेरिएबल लेके, बट वो थोड़ा बुकिश हो गया है मुझे लग रहा है, तो लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं लगा कि क्या किस तरीके से हो रहा। कई सारे लोग तो समझ गए, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कई सारे लोगों का ये कमेंट है वहाँ पे कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें। एड्रेसेस के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है या इसमें कोई वैसी बात मानने वाली नहीं। तो चलिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं कि एड्रेस क्या है और वैल्यू क्या है और क्या मीनिंग है। कुछ बच्चों का ये कंसर्न था, कुछ स्टूडेंट्स का, कि सर ये इस तरीके से आपने बता दिया, ये एक्स्ट्रा मेमोरी पॉइंटर डिक्लेयर करने का मतलब है एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है, या ऐसी चीज़ें उन्होंने मेरे से क्वेरी में पूछा, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछा। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, एक बार और एक वीडियो बनाया जाए, एक प्रयास और करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं पॉइंटर्स के बेसिक्स चीज़ें कि क्या है एड्रेस, किस तरीके से आप एड्रेस को अलग करेंगे वैल्यू से और कैसे उसको रखेंगे, एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉइंटर्स एड्रेस क्या है और किस तरीके से एड्रेस मैनिपुलेशन के क्या मतलब है मेमोरी के टर्म। सपोज करिए यहाँ जो दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये आप एक हॉस्टल में रहते हो, एक हॉस्टल में रहते हो, उस हॉस्टल में ये किसी रूम का सीन है, हॉस्टल के किसी कमरे का सीन है। इसमें दो लोग रहते हैं, दो बेड है, ये है बेड नंबर 100 और ये है बेड नंबर 110। इस बेड, ये वाला बेड जो 100 नंबर बेड है, ये राम के लिए अलॉट है और ये जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग जनरली राम के बाद श्याम लेते हैं तो ये श्याम के लिए अलॉट। ठीक, ये दो बेड हैं, ये कोई रूम नंबर भी होगा, रूम नंबर मान लीजिए, सपोज करिए रूम नंबर दीजिए या ना दीजिए अभी उसका कोई मतलब, हमें यही मतलब है। तो ये राम क्या है, राम एक किसी पर्सन का नेम है, पर्सन तो नहीं है, राम पर्सन का नेम। यही वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल का नेम होता, उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता, उसकी वैल्यू नहीं होती। अब समझ में आ रहा है, ये राम जो है, राम पर्सन नहीं है, उस पर्सन का नेम है। उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, राम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सनालिटी। इन द सेम वे, एकदम इसी तरीके से जो वेरिएबल का नाम है इंटीजर ए, वो उस मेमोरी एड्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, एड्रेस इटसेल्फ नहीं। अब कैसे यहां पे चीजें मैनिपुलेट होती हैं, जरा हम ये देखें। यह सपोज करें ये एक मेमोरी है, अब ये दोनों दो पर्सन ना होके अगर दो वेरिएबल हों, कोई एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, और एक वेरिएबल है ए एक वेरिएबल है बी, वेरिएबल ए में कुछ वैल्यू हम रख लेते हैं सपोज करिए 2 और वेरिएबल बी में कुछ वैल्यू हम रख लेते हैं सपोज करिए 4। इस तरीके से हमने रख लिया। अब जैसे इस बेड का एड्रेस था तो इसका एड्रेस है सपोज करिए 100 और इसका एड्रेस है 110। अब जब हम सपोज करिए ये ऐसे रह रहे हैं, राम इस बेड पर रह रहे हैं, श्याम इस बेड पर रह रहे हैं, किसी दिन वार्डन सर ने ये बोला, बुलाया दोनों को, वार्डन है एक, वार्डन है, और वार्डन साहब ने बुलाया राम और श्याम दोनों लोगों को कि भैया आओ, ऐसा है कि दोनों लोगों को बुलाया, बोला कि तुम दोनों अब एक दूसरे का बेड इंटरचेंज कर लो, एक दूसरे का बेड इंटरचेंज कर लो। राम और श्याम यहां से बाहर निकले, राम और श्याम यहां से बाहर निकले
अब बोले अरे यार क्या फ़ायदा इंटरचेंज करने में, हम लोग हम उसी बेड पे रह जाते हैं, तुम उसी बेड पे रह जाओ, वार्डन सर को अपना बोलने दो। तो वार्डन सर को अपना बोलने दो, तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन में जब हम यूज कर रहे थे तो कॉल बाय वैल्यू। ऐसा तब हो पाया जब उन्होंने वैल्यूज को कॉल किया था, राम और श्याम को अपने पास बुलाया था और बोला था कि जाओ चेंज कर लो, बट उन्होंने अपने एड्रेस को बदला नहीं। कॉल बाई एड्रेस का में क्या होता, कॉल बाई एड्रेस में ये होता कि वार्डन साहब कमरे में आते और इनका कान पकड़ के, वार्डन साहब कमरे में आए किसी दिन, एड्रेस उनको बदलना है तो इनका कान पकड़ के यहाँ कर दें, यानी कि श्याम यहाँ आ गए आप, और इनका कान पकड़ के यहाँ कर दें, राम यहाँ आ गए, श्याम अब यहाँ नहीं रहे, राम अब यहाँ नहीं रहे। अब दोनों वो एड्रेस पे जाके उन्होंने चेंजेस कर दिए, दोनों लोगों का एड्रेस बदल गया। अब राम का एड्रेस कोई पूछेगा तो राम का एड्रेस 110, श्याम का एड्रेस 100। अब वो कैसे किया होगा, बीच में कुछ प्रोसेस होगा उसके, अब ये एप्लीकेशन लिखवाया होगा या जो भी चीज़ है उसको अब हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एड्रेस बनाना मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी, आप कहीं एड्रेस तो पहले से ही है, हर चीज मेमोरी में एड्रेस पे, किसी न किसी एड्रेस पे ही है, आप बस उस एड्रेस को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, एक वेरिएबल में आप उस एड्रेस को स्टोर कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस देने का ऐसा कंफ्यूजन आया मेरे पास कई स्टूडेंट्स का कि सर हम पॉइंटर जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है। एक्स्ट्रा स्पेस कहीं नहीं जा रहा है, आप पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि ये जो एक हम अगर पॉइंटर बना रहे हैं, ये मान लीजिए इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, तो इंटीजर P1 अगर हम और P1 इक्वल्स टू लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ A, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बस ये समझिए कि एक घर का पता आप एक लिफाफे पे लिख देते हो तो इससे क्या होता, पता एड्रेस थोड़े बदल जाता है, या दो एक एक्स्ट्रा घर थोड़े बनाना पड़ता है आपको, आप पता बस एक लिफाफे पे लिख रहे हो। तो ये काम भी यही कर रहा है कि इस ए का एड्रेस जो है 100, ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर करा दे रहे हो आप। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हो, इंटीजर पॉइंटर P2, और आप P2 इक्वल्स टू लिख रहे हो एड्रेस ऑफ B, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू यहाँ पे आप स्टोर करा दे रहे हो P2 में। ए का एड्रेस पहले भी 100 था, बी का एड्रेस पहले भी 110 था। पॉइंटर यूज करने का मतलब यह है कि हमने इस एड्रेस को कहीं पे स्टोर कराया। अब एड्रेस स्टोर कराने के लिए एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल हम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, इस तरीके से होता। तो अब आप ध्यान से जरा सोचिए बैठ के, आपको एड्रेस और वैल्यू वाली कंफ्यूजन थोड़ी दूर होनी चाहिए, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस वाला कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे है, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि कुछ क्लियर हुआ है, पॉइंटर बनाने का मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करना नहीं है, पॉइंटर का कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस समझ में आ गया होगा, एड्रेस तो एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे, वैल्यू ऐसे ही केवल चेंज किया हमने इस तरीके से। तो अगर आपको पिछले वाले वीडियो में पॉइंटर में कोई दिक्कत रही होगी तो उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ से समझ में आई होंगी चीज़ें, और अब आप करिए प्रोग्राम बनाइए इसको। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए